हमें मिला एक वीकेंड और हम चल पड़े हरिद्वार की ओर। हरिद्वार नोएडा से काफी दूर नहीं है, इसलिए आराम से कभी भी हम हरिद्वार जा सकते हैं। तो हम सब बच्चों को लेकर चल पड़े। रास्ते में बच्चों को लगी भूख और हमने यहाँ रुक कर फटाफट यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट लिया, जो कि हमारा ब्रंच था, यानी ब्रेकफास्ट कम लंच। और उसके बाद फिर हम बैठ गए हरिद्वार की ओर। बच्चे, बच्चों की दादी, सब मिलकर हमारी अब एंट्री होने जा रही है हरिद्वार। वाओ, आई लव दिस सीन। हरिद्वार में ओम आपका स्वागत करता हुआ बताते हैं आप कितनी अच्छी नगरी में आ रहे हैं। और उसके बाद हम उतरे हरि की पौड़ी में। वैसे तो ये धूप के दिन थे, पर हमारे को भगवान का बड़ा आशीर्वाद मिला कि हमें यहाँ पर बारिश मिली, जिससे कि यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना हो गया और हमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगी थी। वी वर एंजॉयिंग द वेदर। और बस फिर सब उतर पड़े हर की पौड़ी पर। गंगा एक ऐसी जगह है, खासकर मुझे लगता है, जो बार बार आपको अपने पास बुलाती है। मैं भी हरिद्वार काफी बार गई हूँ, पर हमेशा मुझे हरिद्वार जाना बड़ा अच्छा लगता है। यूं लगता है गंगा ने फिर से बुलाया है। और ये देखिए बच्चों की मस्ती, शिवोजय तो चेन खींचने में लगे हुए हैं, सेफ्टी के लिए चेन जरूरी भी है। और ये इनके प्यारे एंजॉयबल पल। मेक को भी वो बार बार नई नई शैतानियां बता रहे हैं। और ये देखिए मम्मी जी कितनी खुश हैं चारों तरफ सब चीजें देखकर, चारों तरफ गंगा का बहाव। हरि की पौड़ी का अर्थ है भगवान विष्णु के पैर। यह घाट हरिद्वार में गंगा नदी पर स्थित है और सबसे फेमस घाट है। ऐसा माना जाता है ये वही स्थान है जहां से गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदानों में प्रवेश करती है। हरि की पौड़ी के बारे में यह भी प्रचलित है कि राजा विक्रमादित्य ने इससे पहले शताब्दी ईसा पूर्व अपने भाई भरथरी की याद में बनवाया था, जो यहाँ गंगा के तट पर ध्यान करने आए थे। और हम पहुंच गए हैं ब्रह्मकुंड। हरि की पौड़ी में यहां पर होती है गंगा आरती। गंगा आरती हरिद्वार का सबसे मनोरम दृश्य है। चारों तरफ भक्तिमय वातावरण रहता है और जिसको देखने के बाद सच में आप अपने आप को ईश्वर के करीब पाते हैं। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है चारों तरफ, खचाखच भरे हुए लोग हैं। यहाँ आपको 6 बजे तक अपनी सीट घेरनी पड़ती है, वरना आपको देखने के लिए भी नहीं मिल पाता, काफी भीड़ रहती है यहाँ पर। हरि की पौड़ी के पहुंचने के बाद हम पहुंचे भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर मैंने बचपन से इसके बारे में बहुत कुछ सुना था, पर जब भी मैं हरिद्वार आती थी कभी देख नहीं पाती थी, और इस बार इसे देखने का मौका मिला। यह मंदिर और मंदिरों से काफी अलग है, क्योंकि यहाँ न सिर्फ देवी देवता आपको मिलेंगे, इसके साथ साथ आपको महापुरुष, हमारे जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी, उन सबको भी यह मंदिर समर्पित है। आपको उनकी भी प्रतिमाएं यहाँ पर मिलेंगी। और यह मंदिर 180 फुट ऊंचा है और 8 मंजिल का है। सचमुच ये सब अभी तक के मंदिर में सबसे अनोखा मंदिर है, जो इतना ऊंचा है और आपको हर मंजिल में एक अलग थीम और साथ साथ अपने देश के प्रति एक भक्ति भाव भी मिलेगा। शाम हो चुकी है और सब लोग अपने घर वापसी पर हैं, और हमारे साधु महाराज भी। और हम पहुंचे गंगा के तट पर। ये कोई फेमस तट तो नहीं है, फेमस घाट नहीं है, लेकिन हम एक ऐसी जगह बैठना चाहते थे कि जहां बहुत भीड़ भाड़ ना हो और हम गंगा के तट का आनंद ले सकें। तो सबने अपनी पोजीशन संभाल ली है। बच्चों ने पत्थरों के संग, मेघ और शिव ने पत्थरों के संग खेलना शुरू किया, और कॉम्पिटिशन हो रहा है। किस बात का भाई कॉम्पिटिशन है, कौन कितनी दूर पत्थर फेंकेगा। ये देखिए, और शिवोदय को तो बकायदा ट्रेनिंग दे रहे हैं पापा।
और रात को हम रुक गए मामा जी के घर, बच्चों के मामा जी के घर, और सबने सब बच्चों ने मिलकर कार्ड्स का आनंद, गेम्स का आनंद लिया। और ये है हमारे अक्षत रोली, और यहाँ भी इनकी मस्ती चालू है। ये जगह है रायवाला, हम जाना तो ऋषिकेश भी चाहते थे पर बहुत भीड़ थी, जाम बहुत था, तो हमने रायवाला रुके और यहीं से हमने फैसला किया कि हम वापसी दिल्ली की ओर करेंगे। और ये हमारी वापसी का टाइम हो गया है भाई, तो यहाँ भाई सबको एक अच्छे से सफर के लिए थैंक यू और बाय। होप है कि अगली बार हम ऋषिकेश भी देख सकेंगे, बट इट्स टाइम टू से बाय।